सो हेलो एवरी वन, माई सेल्फ सोनू और वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो क्या कुछ स्किल पे बात करेंगे, मतलब मेरे अंदर क्या स्किल है, कैसे टू मतलब हाउ टू इम्प्रूव माई स्किल, ठीक है ना, कैसे पहचाने अपनी स्किल को, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि अभी के ज़माने में पैसा कमाना मतलब काफ़ी टफ वर्क हो गया है, ठीक। तो पहला बात यहाँ पे क्या कि आपके अंदर स्किल है कैसे पहचान, जैसे हम अपनी बात बता रहे हैं, मेरे अंदर एक टीचिंग का स्किल है, ठीक। तो इससे क्या अपने आप को हम मेंटेन कर लेते हैं या कर भी लेंगे फ्यूचर में, ठीक सॉरी मेंटेन कर लेंगे, लेकिन आपके अंदर कौन सा स्किल है आपको पता नहीं चल रहा है। क्योंकि यानी होता है क्या कि जो बच्चा पढ़ता है पढ़ाता है तो वो सबके पास तो स्किल होता है पढ़ने पढ़ाने का, लेकिन जो मतलब कि पढ़ाने के सिवा कुछ और ना हो, ठीक। तो कैसा स्किल, या सिंपल सी बात, हम पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन कहीं जॉब करते हैं तो मेरे मन मुताबिक जितना हम चाहते हैं उतना ना कर पाते हैं, तो क्या कर सकते हैं क्या। तो कुछ कुछ हम आइडिया शेयर करने वाले हैं, मतलब कुछ कुछ टेक्निक आइडिया, शायद आपको पसंद आएगा आइडिया क्योंकि हम इस पर सर्च किए हैं, राइट। तो पहली बात आपको बता दें कि तीन चार नाम बताएंगे जो जनरल बंदा है और वो बिजनेस कर नौकरी छोड़ने के बाद बिजनेस करने के बाद बिजनेस करके क्या अभी सक्सेस हो गए, ठीक। तो पहला नाम एक नाम ले रहे हैं, एक मिनट मेरे पास लिस्ट होगा उसका। हाँ, पहला नाम है क्या दिव्या रावत, ठीक। वो देहरादून की है, पहले वो क्या मतलब पहले कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ, उसको 25,000 का मतलब उसको इनकम होता था पर महीना, लेकिन उसको मतलब वो जो पसंद नहीं था वो तो वो जो वो जब वो छोड़ दी, अब क्या हुआ छोड़ने के बाद वो चाहे कुछ बड़ा करे, वो अपने घर पे गई, ठीक, और वो मशरूम की खेती की और कुछ साल बाद वो करोड़ों की मालकिन हो गई। अभी उसका एक साल में 2 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक। और बता दें कि हाल फिलहाल उनको भी राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार दिया गया है और मशरूम के फील्ड में उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, ठीक ना। तो कुछ स्किल अपने आप में आप ढूंढ सकते हैं, जैसे हम बात करें, जैसे अगर आपके पास ना हो तो कुछ कुछ आइडिया दे सकते हैं हम आपको, थोड़ा थोड़ा आइडिया कि आप इस फील्ड में जाए, ठीक। पता चीज फील्ड कैसे चूज कीजिएगा, जिसमें क्या हो उस यूनिक हो, कुछ यूनिक हो। आप अपने गाँव में देखिए या अपने शहर में ऐसा क्या चीज़ जो यूनिक है, ठीक। और दो तीन एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एक है हाँ, एक गुजरात का कोई इंजीनियर है, ठीक। वो लॉकडाउन में ही क्या किए, वो मोती समझते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, उसका नाम क्या है, नाम भूल रहे हैं उसको, सीप, हाँ सीप में जो मोती बनती है, वो क्या मोती का बिजनेस, मतलब कैसे, तो वो एक छोटा सा मतलब कि एक गड्ढा बना है, उसमें क्या उसमें मोती तैयार कर रहे हैं, मतलब सीप डालकर, ठीक ना। और हालांकि वो जो भी सीखे थे वो यूट्यूब से सीखे थे, सोच लीजिए यूट्यूब से। आज का एक मोती का कीमत कम से कम मिनिमम कम से छोटा रेंज 350 से लेकर 1,000 रुपया, 10,000, 15,000, 20,000 तक है, सोचिए। तो मोती तो वो मोती का बिजनेस करके फिर वहाँ से वो भी क्या अपने आप को बूस्ट कर लिए, अपने आप को इन्हेंस कर लिए। जैसे हम बता रहे हैं मेरे फील्ड में, जैसे कि हम टीचिंग फील्ड में हैं तो उसमें बता रहे हैं, एक बच्चा था, राइट। देखिए कितना किस तरह से सोच सकते हैं आप बस क्या खाली बैठिए मत, आप सोचिए, कुछ ना कुछ सोचते रहिए। बता रहे एक बंदा था, लॉकडाउन में क्या हुआ कि सारा क्लास क्या हो गया ऑनलाइन, राइट। तो दिल्ली में है क्या कुछ मतलब कि कुछ साइट है जो आपको कुछ पैसा लेके या कुछ आपको होम ट्यूशन प्रोवाइड करवाता है, राइट। तो क्या हुआ कि और यहाँ पे पेमेंट भी अच्छा खासा देता है, मतलब कि अगर आप 12th नीट यही का है तो मिनिमम तो 5,000 को मिलेगा ही मिलेगा पर मंथ का। हालांकि 30 दिन क्लास में नहीं करना होता है, 15-20 दिन क्लास करना होता है। तो उसमें क्या है कि वो क्या किया, एक बच्चा का 5,000 दे रहा था, ठीक। और क्या कि ऑनलाइन क्लास में क्या है कि वहाँ पे ऑप्शन है क्या कि आप एक के साथ और को भी जोड़ सकते हैं। अब क्या किया वो कि 7 बच्चा उसके एक बैच में था, ध्यान दीजिएगा 7 बच्चा उसके एक बैच में था, और उस तरह से वो 5 बैच पढ़ाया। सोचिए एक बच्चा का 7 बच्चा एक बैच, तो एक बैच में कितना आ रहा था, 35,000। उसी तरह 5 बैच था कितना हो गया, सोच लीजिए कितना हो जाएगा, गुना भाग तो आप लोग तो करने माहिर है, तो 35 × 5, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा आपका, कम से कम 1.5 लाख करीब करीब 1.5 लाख हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, राइट। हाँ 5×3 15, 1.5 लाख करीब। सोचिए जानते क्या था उसके पास इंस्ट्रूमेंट, एक कॉपी था
ठीक, और एक पेन था और एक मोबाइल था। सोचिए उससे हुए 5 महीना 1.5 लाख पर मंथ कमाया। सोचिए आप उम्मीद नहीं कर सकते, सोचिए वो भी बीएससी का बच्चा था। ठीक ना, तो होता है क्या कि हम लोग अपने आप को कोसने लगते हैं। नहीं कोसी मत, कुछ ना कुछ ढूंढिए अपने आप में। और भी आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपको बता दें कि दो स्टूडेंट था। दो स्टूडेंट क्या मतलब कि दो ही दो दोस्त था, दो पर्सन था। वो जॉब प्राइवेट जॉब करता था, तो लॉकडाउन में उसका जॉब छूट गया। जॉब छूटने के बाद क्या वो टिफिन सर्विस स्टार्ट किया। टिफिन सर्विस वही घर पे खाना देने वाला, टिफिन सर्विस स्टार्ट किया। उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे वो टिफिन सर्विस देते देते क्या हुआ कि अब इतना उसका अच्छा मतलब कि चलने लगा कि वो छः जगह अपना ब्रांच भी खोल दिया। अब वो उसकी भी निकल पड़ी। ठीक, और आपको एक और नाम बता दें, एक और नाम। ठीक, ये हो गया, ये 3 4 केस आपको हम ये कर दिए। तो आप सोचिए ना कि आप वैसा चीज देखिए। अभी बताए अभी सबसे सिंपल जी, अगर आपको बिजनेस भी करना हो ना, देखिए क्या बोलते हैं, एजुकेशन के फील्ड में बिजनेस अभी अच्छा अच्छा खासा किया जा सकता है। ठीक, जैसे बात करें आपको केसर नाम सुने, केसर केसर काफी महंगा होता है, क्योंकि हम एक बार लाने गए थे दुकान खरीदने, केसर काफी महंगा था तो हम नहीं खरीदे। ठीक है ना, तो केसर मांगा, तो केसर का आप मतलब कि केसर उपजा सकते हैं। हालांकि वो जनरली कश्मीर की मिट्टी में होती है, वो उतना पता नहीं कौन कौन मिट्टी में होती है, लेकिन केसर काफ़ी बिजनेस काफ़ी यूनिक बिजनेस है और उसमें काफ़ी डिमांडेबल है। केसर हो गया आपका, ये जो बोल रहे हैं आपको क्या मोती वाला बिजनेस हो गया। ठीक है ना, ये हो गया मशरूम, मशरूम पता है ना 35,000 रुपये पर केजी है। ठीक है ना, ये सब हो गया। तो कुछ यूनिक यूनिक चीज़ आपको सोचना होगा। ठीक, जैसे हम जिस फील्ड में, हम टीचिंग फील्ड में, हम टीचिंग फील्ड के रग रग से वाकिफ है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे क्या करेंगे कैसे क्या नहीं करेंगे। तो आप ही क्या अपने गांव में मतलब अपने आसपास में देखते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए कि क्या ऐसा बिजनेस करें, क्या ऐसा तरीका अपनाएं, जिससे क्या, क्योंकि आपको पता है कि अभी हर कोई चाहता है क्या कि मेरे पास पैसा हो और हम अपना क्या लग्जूरियस लाइफ को जिए, इंजॉय करें। ठीक, और उसके लिए क्या चाहिए, मनी। मनी कहाँ से आएगा, तो नौकरी से जितना चाहिए उतना तो आ नहीं सकता है। ठीक है ना, जो बच्चा सरकारी जॉब करता होगा या जो जो भी पर्सन सरकारी जॉब करता होगा वो उनका लाइफ चलता होगा। हाँ, सरकारी जॉब में क्या होता है कि आपका लाइफ सेट हो जाएगा, मतलब कहीं मतलब कि अपना माइंड से चलेगा कि मेरा सरकारी जॉब हो गया, इसमें हमको कुछ नहीं। लेकिन प्राइवेट, लेकिन अगर खुद का बिजनेस हो, ठीक, थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा बिजनेस, क्योंकि आपको बता दें, आपको बहुत सारा ऐसा नाम बता देंगे जो बिजनेस में, से सिंपल बताते हैं एक टीचिंग फील्ड में, तो टीचिंग फील्ड का हम बेहतर जानते हैं और उसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। ठीक ना, तो टीचिंग में जैसे देख लीजिए, एक टीचर है, उनका नाम नहीं हम शेयर करेंगे, वो टीचर क्या किए सोचिए, अभी क्या हो रहा है, अभी बता रहे हैं आपको, खासकर IIT नीट जेई फील्ड में क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैसा है इसमें। मतलब इसमें आप सही से अगर बिजनेस करते हैं, अगर आप जानने वाले हैं इसमें, बता दें कि एक कोचिंग का फीस कितना था, 1.5 लाख रुपया, 1,60,000 था ऑनलाइन में, सॉरी ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में बोल रहा है क्या कि आपका 40% डिस्काउंट, तो 1,10,000, मतलब कि ऑनलाइन में अभी भी 1,10,000। लेकिन क्या किया एक बंदे ने, मतलब कि वो काफ़ी फेमस हो गए थे यूट्यूब पे, शायद आप नाम जानते होंगे और मेरा हिंट समझ गए होंगे। तो सोचिए वो क्या किए, पहले अपने आप को, पहले क्या अपने आप को प्रूव किए कि क्या आई कैन डू एनी थिंग, मतलब कि हम कुछ भी कर सकते हैं उस सब्जेक्ट में। हालांकि उनके पास नॉलेज है इसमें, कोई डाउट की बात नहीं है। अब क्या हुआ, उनका YouTube पर लमसम में 36 लाख क्या सब्सक्राइबर है, राइट। अब क्या वो खुद का एक प्लेटफॉर्म खोल लिया, मतलब एक ऐप बना लिया और उस पर बच्चा आने लगा। सोचिए कितना फीस है, पता है उनका, उनकी फीस कोर्स का मात्र 1,000। सोचिए 5 लाख बच्चा उनका ऐप डाउनलोड किया हुआ है। अगर मान लेते हैं कि 1 लाख बच्चा अगर 1,000 रुपये से अगर पेमेंट किया हो या कोर्स बाय किया हो, तो सोचिए कितना अच्छा हुआ। इसमें क्या हुआ बेनिफिट, बेनिफिट इसमें ये हुआ कि वो बच्चे को भी हार्ड नहीं लगा, पढ़ाई भी औसम लेवल का मिल रहा है, और क्या हुआ टीचर को भी क्या मतलब बेनिफिट हो रहा है। ठीक है ना, तो आप क्या कीजिए, अगर आपको कोई बिजनेस दिख रहा है तो कोशिश क्या कीजिए उसको नेशन वाइड ले जाने के लिए, मतलब कि रीजन में मत रखिए उसको, हाँ इतना ही रीजन का नहीं, आप उसको कोशिश कीजिए नेशन वाइड। ठीक, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों काम की, ताकि कि आपका बिजनेस काफ़ी ग्रो कर सके। तो कोई अगल बगल में आप क्या आराम से ढूंढिए या पता कीजिए, आप कुछ यूनिक सोचिए ऐसा क्या कर सकते हैं, तभी आप कुछ सक्सेस करिए। ऐसे सिंपल कि हाँ चलो भाई बगल में है दुकान खोल लिया कुछ कर ली, ये बिजनेस है, लेकिन आप एक रीजन तक रह जाइएगा। ठीक,
इससे भी हम बात करते हैं, बायजूज हो गया, अन अकेडमी हो गया, वेदांत हो गया, ये लोग का बिजनेस इसलिए क्यों हाई हो रहा है। आज देखिए आज क्या हो रहा है, अन अकेडमी में बहुत सारे टीचर आ रहे हैं, काफी सोचिए कि इस बार जो IPL हो रहा है उसको स्पॉन्सर अन अकेडमी किया है, सोचिए इतना इतना खासा इनकम हो रहा है, ठीक है ना। बायजूज पिछला बार स्पॉन्सर किया था, ठीक ना, देखे होंगे लिखा होगा इंडियन टीम के जर्सी पे पीछे बायजूज लिखा रहता है, तो वो मतलब वहाँ भी सोचिए कितना मतलब उन लोगों का इनकम होता है। तो वो लोग कुछ किए नहीं, बस क्या किए, माइंड को माइंड देखे, ठीक है। अभी सारा चीज ऑनलाइन हो रहा है, तो ऑनलाइन में आपका जो कोई बिजनेस हो तो ऑनलाइन पे ध्यान दीजिए, ऑनलाइन पे, ठीक ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो, ठीक। और नेक्स्ट वीडियो हम ये बताएंगे कि एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस लाने के लिए कम से कम क्या क्या, मतलब कि बिजनेस आपका रन कर रहा है तो क्या क्या चीज़ को हमको मेंटेन रखना होगा ताकि बिजनेस मेरा ग्रो पे ग्रो करे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद, थोड़ा सा तो हम रिसर्च किए हैं, हालांकि हम अगले वीडियो में और रिसर्च करके आएंगे, ठीक ना। तो ये तो आइडिया मिलेगा कि बिजनेस करना हो, बिजनेस हमको करना है, कुछ यूनिक सोचिए, जैसे अभी बताया ना, एक मोती का, दूसरा टिफिन सर्विस, तीसरा क्या क्या बोलते हैं मशरूम का बिजनेस, चौथा टीचिंग फील्ड। सोचिए मेरे जैसा बच्चा, हम नहीं थे बच्चा, 5 महीना 1.5 लाख का मंथ कमाया, सोचिए विश्वास नहीं हो, सिर्फ एक कॉपी, एक पेन, एक मोबाइल से, समझ में आ रहा है। तो होता है क्या कि हम लोग को बैठ के रोने से ना कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, कुछ सोचिए, कुछ डिफरेंट सोचिए। उसके लिए हम आपको बता रहे, जैसे केसर का खेती हो गया, टीचिंग फील्ड में अगर आपका अच्छा खासा नॉलेज है, अगर आपके पास अच्छा खासा दमखम है, ठीक है ना, तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा थोड़ा सा आइडिया आपको हम, मतलब कि कुछ तो आइडिया दे दिए, और भी बहुत सारा आइडिया है, बात करेंगे तो आधा घंटा वीडियो बन सकता है, लेकिन नहीं, मेरा मकसद क्या था, आपको क्या स्किलफुल बनाने का, मतलब जैसे मेरे पास पढ़ाने का स्किल है, हम डेली अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और कर भी रहे हैं, हम डेली सोचते हैं इससे और बेहतर, ठीक। तो अपने आप पे हम काम कर रहे हैं, ठीक। तो उसी तरह से आपके अंदर भी कोई स्किल होगा, उसको ढूंढिए और उस पर वर्क कीजिए और उसको स्ट्रांग कीजिए, ठीक। और तब क्या, उसको आप क्या स्ट्रांग करके उस फील्ड में आइए, ठीक, जिस फील्ड में आप ज़्यादा स्ट्रांग हो। कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको ले जाइए, उसको नेशन वाइज, मतलब ऑनलाइन के साथ भी ऑफलाइन भी दोनों यूज कीजिए, ठीक, इससे बेनिफिट आपको होगा, राइट। ऑफलाइन में सीमित में हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में आपको नेशन वाइज जाना है, मतलब कि इंडिया लेवल पे आप आ सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको डिफरेंट सोचना और डिफरेंट करना होगा, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे क्या कि अगर एक बिजनेस रन करें तो उसके लिए क्या क्या, मतलब क्या क्या चीज़ को हमको ध्यान रखना होगा जिससे क्या मेरा बिजनेस को ग्रो, क्योंकि हम इस पर सर्च किए थे, इसी कारण से वीडियो बना रहे हैं, अदरवाइज ये वीडियो हम नहीं बनाते। मेरा हमको लगता है कि एक सप्ताह हम सर्च किए थे और भी मेरे पास जानकारी, हम वो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे क्या नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।